मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्काई मेट के वेदर बुलेटिन में। अब आप देखिए कि जो डिप्रेशन बना था बंगाल की खाड़ी में, वो पहले गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बना, उसके बाद लो प्रेशर एरिया बन गया है और ये अंदर की तरफ आ गया है। अब हम कह सकते हैं कि ये लगभग कमजोर हो चुका है, इसका असर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब जो नॉर्मल नॉर्थ ईस्ट मानसून में बारिश होती है, उसी तरह की बारिश जो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर देखने को मिलेगी और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हल्की बारिश या एक दो मॉडरेट स्पेल रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर के पूरी तरह से ये वेदर सिस्टम कमजोर हो गया है। और जैसे हमने पहले ही स्काई मेट ने अनुमान जताया था कि जब ये तट के पास पहुंचेगा तो इसमें इस तरफ से, यानी कि जो अंदर की तरफ से जो अंदरूनी हवा है, यानी कि जमीन पर से जो हवा, शुष्क हवाएं हैं, वो पहुंचेंगी और इस वेदर सिस्टम को कमजोर कर देंगी। सी सरफेस टेम्परेचर कम हो जाएंगे इस तट के पास पहुंचते पहुंचते, वर्टिकल विंड शियर बढ़ जाएगा। तो ये सारे जो वेदर फैक्टर होते हैं किसी भी वेदर सिस्टम को कमजोर करने के लिए काफी रहते हैं, यानी कि जो वेदर सिस्टम है धीरे धीरे इसीलिए कमजोर हो जाता है। तो अब ये जो लो प्रेशर एरिया साइक्लोनिक सर्कुलेशन में तब्दील हो जाएगा, जो ट्रफ रेखा इस तरह से आ रही है, तो अब जो मौसमी गतिविधियां हैं वो ना के बराबर देखने को मिलेंगी और हम कह सकते हैं कि साउथ इंटीरियर कर्नाटका और इंटीरियर कर्नाटका में केवल हल्की बारिश ही देखने को मिल सकती है। और जो दक्षिणी तमिलनाडु है, केरल है, लक्षद्वीप है, इस इलाके में कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, यानी कि मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। अब ये आप देखिए कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने वाला है जो नॉर्थ अंडमान सीमा बनेगा, इसके प्रभाव से यहीं पर अगले 24 घंटों के दौरान एक लो प्रेशर एरिया बनेगा। लेकिन ये लो प्रेशर एरिया इस तरह से आगे जाएगा, यानी कि ये म्यांमार की तरफ मुड़ जाएगा। यूजली क्या होता है कि जब लो प्रेशर एरिया या कोई वेदर सिस्टम बनता है तो वो इस तरह से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है और तट के पास पहुंचता है और कभी कभी वो रिकर्व होता है, यानी कि इस तरह से जो रिज होती है, अपर एयर जो रिज होती है, उसके साथ ये इस तरह से टर्न हो जाता है। लेकिन क्योंकि घड़ी की दिशा में हवा जो चल रही होती है तो इस तरह से वो यहां से टर्न ले लेता है, जो 300 मिलीमार और 200 मिलीमार की जो विंड्स होती है उसके साथ। लेकिन ये पर्टिकुलर वेदर सिस्टम यही से टर्न ले रहा है क्योंकि रिज जो है काफी दूर पर है और ये इसको आगे नहीं आने देगी। और ये अच्छी बात है कि कोई भी अभी तक बड़ा तूफान बंगाल की खाड़ी में नहीं बना है, केवल एक सेत्रांग तूफान बना था जो अक्टूबर के आखिर में बना था और ये जाकर के बांग्लादेश को इसने नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद लो प्रेशर एरिया तो तीन बने हैं लेकिन उनका असर भारत के जो पूर्वी तट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला। हालांकि पिछले लो प्रेशर एरिया ने यहाँ पर काफ़ी तेज बारिश दी थी, जो साउथ आंध्र प्रदेश के तट हैं यहाँ पर और चेन्नई वगैरह में भी अच्छी बारिश देती थी, लेकिन ये जो पर्टिकुलर वेदर सिस्टम है ये कमजोर पड़ गया है। तो कुल मिलाकर इसका असर अब देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अब अगर हम आगे चलें और बाकी जगह की बात करें, यानी कि अगर हम सीधा उत्तर भारत की तरफ चलते हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि अब कोई बड़ा पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ रहा है, और अगर कोई बड़ा पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ रहा होता तो जो हवाएं हैं वो लगातार, ये नॉर्मल पैटर्न होता है, जब पश्चिमी विक्षोभ आता है तो हवाएं इस तरह से चलना शुरू हो जाती हैं, यानी कि वो इस उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवा को रोक देती हैं और उससे बादल बांधते हैं और जो मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर उत्तर पश्चिम दिशा से हवा लगातार चलती है, क्योंकि अगर कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ रहा होता तो ये जो तापमान है धीरे धीरे गिरते रहते हैं। हालांकि धीरे धीरे जो इनकी तासीर है, यानी कि जो ठंडक है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि लगातार जब चल रही होती है और जब तक ये यहाँ तक पहुँचती हैं, यानी कि मध्य भारत या पूर्वी भारत या दक्षिण भारत तक पहुँचती हैं, तो इनकी जो ठंडक है वो काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी ये तापमान को कम करने में सक्षम होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेडिटेरियन सी है, वहाँ से बादल उठते हैं और पूरे साल ग्लोब पर जो इस तरह से पश्चिम से पूर्व की तरफ हवाएं चलती हैं, उन हवाओं के साथ साथ वो बादलों का समूह यानी स्टॉर्म वो पूर्व की तरफ आता है, पश्चिम से आता है, इसीलिए उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, पश्चिमी गड़बड़ी कहते हैं या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो ईरान, इराक और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पर आकर के उसे कोई भी अवरोध नहीं मिलता, यानी रुकावट नहीं मिलती। जब वो पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में पहुँचता है तो यहाँ पर जो ऊंचे पहाड़ हैं, पर्वत श्रृंखला है, हिमालय है, यहाँ पर वो रोकता है उसको और यहाँ पर वो बर्फबारी देते हैं और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, उससे बारिश होती है, जो हमने पहले देखा था कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में हल्की बारिश हुई थी। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं ये अक्टूबर से शुरू होते हैं, नवंबर में थोड़े से उग्र होते हैं, दिसंबर और जनवरी में इनकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है, फरवरी मार्च में फिर कमजोर होने लग जाते हैं और अप्रैल होते होते ये फिर अपर लैटिट्यूड के ऊपर चले जाते हैं। यानी कि जब सूरज नीचे की तरफ जाता है तो सारे वेदर सिस्टम नीचे आ जाते हैं, जब गर्मी आती है सूरज ऊपर आता है तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी ऊपर चले जाते हैं। तो अभी
अगले 5-6 दिनों तक कोई भी पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों को प्रभावित नहीं करेगा, पहाड़ों का मौसम शुष्क रहेगा। अगर आपको स्नोफॉल देखना है तो वहां अभी आप न जाएं, माफ कीजिएगा, क्योंकि जब तक पश्चिमी विक्षोभ नहीं आएगा तब तक स्नोफॉल नहीं होगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि पहाड़ों में चलते हैं और स्नोफॉल देख के आएंगे, हर समय स्नोफॉल नहीं होता है। जब पश्चिमी विक्षोभ आता है, जैसे बारिश होती है उसी तरह से स्नोफॉल होता है, बादल होते हैं तब जाके स्नोफॉल होता है, तभी आप जाइए जब मैं आपको बताऊं। और मैं 2-4 दिन पहले ही आपको आगाह कर दूंगा कि हाँ इन इलाकों में स्नोफॉल होने वाला है, आप जाकर के उसका आनंद उठा सकते हैं। तब तक के लिए यहाँ का मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्य, ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे। कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं होगी, बादल भी नहीं देखने को मिलेंगे, यानी बहुत हल्के कहीं कहीं बादल देखने को मिलेंगे। दिन में तेज धूप रहेगी, सुबह और शाम की सर्दी धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि लगातार जो ठंडी हवाएं हैं ये तापमान को गिराएंगी। धीरे धीरे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, दिन के तापमान है, वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी दिन में अभी देखने को नहीं मिलेगी जब तक कोहरा नहीं छाएगा। और कोहरा हमें उम्मीद है कि उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में कम से कम दिसंबर के शुरुआती दौर तक नहीं आने वाला है। हालांकि सुबह के समय धुंध और कुहासा छा सकता है, घना कोहरा छाने की उम्मीद अभी फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि दिसंबर में जाकर ही जो कोल्ड डे कंडीशन आती है, यानी कोल्ड डे कंडीशन होती है जब जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 16 डिग्री या उससे ऊपर नहीं जा पाता, उसको कोल्ड डे कहते हैं, तो वो जब स्थिति आएगी तब आपको लगेगा कि हाँ अब सर्दी पूरी तरह से आई है। तो अभी उसका इंतजार करना पड़ेगा। सुबह और जो शाम की है और रात की सर्दी वो शुरू हो चुकी है। और उसी तरह से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन सारे इलाकों में भी मिनिमम टेम्परेचर गिरने वाले हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर भी धीरे धीरे गिरेंगे। ज़्यादातर इलाकों में जो मिनिमम टेम्परेचर है सामान्य से नीचे ही बने रहेंगे। इसके आगे जो भी अपडेट होगा लगातार मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।